हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके सामने एक और नई डिश लेके हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे पनीर बटर मसाला। बहुत ही इजी स्टेप्स में, आप हर स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने पैन में ऑयल ले लिया है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले डालेंगे मोटे कटे हुए प्याज और टमाटर। इनको थोड़ी देर चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो, देखिए हमारा टमाटर प्याज पक गया है। अब इसको गैस ऑफ करके थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने के लिए रखेंगे, फिर इसकी हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए हमारी टमाटर प्याज की पेस्ट रेडी हो गई है। इसको हमने बिल्कुल ही पेस्ट फॉर्म में ग्राइंड कर लिया है। देखिए हमने पैन प्याज पर एक बार फिर से रख लिया है। फिर से तेज पत्ता ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गार्लिक। तब हम इसमें अपने स्पाइसी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें स्पाइसी ऐड करना स्टार्ट करेंगे। हल्दी हम डालेंगे, रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ऐसा गरम मसाला। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा किचन, साथ साथ में हम ग्रेवी को चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसमें फ्लेवर्स बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी फ्रेश मलाई। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रेश मलाई ऐड कर रहे हैं। इससे हमारी ग्रेवी की रिचनेस बढ़ जाएगी। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पक रही है। देखिए ग्रेवी अब हमारी रेडी है। इसमें डालने के लिए हमने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इसको और बड़े पीसेस में भी कट कर। अब हम ग्रेवी को स्मूथ बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा उबाल आने देंगे, फिर इसमें हम अपने पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करेंगे अपना।
है, आप हम इसको सर्व करें। देखिए हमारा पनीर बटर मसाला अभी बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिश बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी ये डिशेज कैसी लग रही है। थैंक यू।